हे गाइस वेलकम बैक ऑन इंडियन रिएक्शन ऑन क्रिकेट। तो गाइस बीसीसीआई ने गाइस T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट बांग्लादेश। तो गाइस ये स्क्वाड में ना गाइस सब यंग लोग हैं, ठीक है, कोई भी सीनियर नहीं है। तो गाइस मैं चलो आप लोग एक 1 on 1 मैं सब लोग का नाम पढ़ता हूँ, ठीक है, जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा रहेगा। तो गाइस फर्स्ट है सूर्य कुमार यादव, सो ही इज एज अ कैप्टन, तो डिजर्व है, ठीक है, कैप्टन, उसको अभी कैप्टन का पोजीशन मिल रहा है, तो क्योंकि उसका लास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसने मैच भी जिताया था अगेंस्ट श्रीलंका, तो ही इज़ वेरी गुड एज अ कैप्टन, ऑल्सो इज वेरी गुड बिकॉज ही इज लीडिंग, ठीक है। उसके बाद अभिषेक शर्मा, सो गाइज अभिषेक शर्मा इज अ वेल डिजर्व्ड T20 प्लेयर, उसको ओपनिंग कराना चाहिए। गिल नहीं है, ठीक है, गिल अगर नहीं है तो भाई हमें तो अभिषेक शर्मा इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर है अपने पास संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर एंड एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तो इज़ वेरी गुड, ठीक है। फिर है अपना रिंकू, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, रिंकू भी है। फिर अपने पास है हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या गाइस एक सीनियर बंदा हम लोग ने दिया है, ठीक है, बीसीसीआई मतलब मैंने नहीं, बीसीसीआई ने दिया है। तो बीसीसीआई ने रखा है कि भाई कोई ऊपर नीचे हो जाए तो हार्दिक पांड्या संभाल ले भाई, ठीक है, एज अ सीनियर प्लेयर ही विल बी लीडिंग, मतलब वो बैक एंड पे रहेगा, फ्रंट एंड पे सूर्य कुमार यादव को पुश करेंगे ऐसा। फिर उसके बाद है रियान पराग, सो ही इज ऑलराउंडर, बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, मिडल ऑर्डर के लिए भी बेस्ट है, ठीक है, वो भी संभाल लेगा। फिर नीतीश कुमार रेड्डी गाइज, ही ऑल्सो ऑलराउंडर। उसके बाद आता है शिवम दुबे, तो ही इज हैविंग एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जो वर्ल्ड कप खेला था वो भी है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, तो इसके पास भी गाइज एक्सपीरियंस बहुत है वॉशिंगटन सुंदर के पास। फिर अभी गाइज बॉलिंग लाइनअप में आता है फिरकी वाला रवि बिश्नोई, फिर वरुण चक्रवर्ती गाइज, दो चार प्लेयर है गाइज, मैं आप लोगों को एकदम लास्ट में बताने वाला हूँ कौन से प्लेयर मिसिंग है जो मेरे तरफ से भी मतलब उनको चांस मिलना चाहिए। फिर है गाइज विकेट कीपर, एक और विकेट कीपर है, वो है जितेश शर्मा। फिर उसके बाद हर्षित राना, तो गाइज वेल डिजर्व हर्षित राना एंड मयंक यादव, वेल डिजर्व भाई, मतलब बॉलिंग मतलब इंडिया को फास्ट बॉलर भी चाहिए, तो हर्षित राना एंड मयंक यादव इज द बेस्ट बॉलर फॉर T20, ठीक है। तो गाइज अभी बहुत सारे प्लेयर है गाइज, एक है यूजी चाल, ठीक है, ही वो भी है कि T20 का गाइज, वो भी मिस्ट्री स्पिनर है, लेग स्पिन करता है और सबसे ज़्यादा IPL में ज़्यादा विकेट लेता है, लेकिन उसको चांस नहीं मिला, बोलते ना। फिर दूसरा है ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, ऐसा 1 डाउन को उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ठीक है। तो गाइज ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑल्सो मिसिंग, ये दो प्लेयर गाइज जो मुझे लगता है कि ये स्क्वाड में होने चाहिए, मतलब दो और नाम डाल दो, खिलाओ मत चलेगा, लेकिन नाम डाल दो, अनाउंस कर दो। लेकिन गाइज 15 प्लेयर का स्क्वाड होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ठीक है 15 प्लेयर का स्क्वाड होता है, तो उसके कारण गाइज दो प्लेयर लोग का जगह बना नहीं, एक है ऋतुराज गायकवाड़ और एक है बॉलिंग के मेरे तरफ से यूजी भाई, ठीक है। तो गाइज ये दो प्लेयर है गाइज जो डिजर्व करते हैं, लेकिन स्क्वाड में अभी तक पता नहीं भाई, नए लोग को चांस दे रहे ज़्यादा करके, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट T20 स्क्वाड्स अगेंस्ट बांग्लादेश। तो गाइज आप मुझे कमेंट में करके बताओ गाइज, ठीक है, कौन से आपके T20 स्क्वाड्स होने चाहिए गाइज, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बांग्लादेश को भाई एकदम बूम बम दे देना सूर्य कुमार यादव, ठीक है। तो गाइज मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी गाइज। थैंक यू सो मच।